हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको बॉश के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि अब आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर अभी मैं बॉश के नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट में 3.1% का डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन मैं तो भी यही बोलूँगा कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको समझेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो 3.1% गिरकर हो गया है 184.2 करोड़। लेकिन इसका जो रेवेन्यू, इसकी जो सेल्स है वो देखिए आप, उसमें 19.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और वो हो गया है 3,029.64 करोड़ का। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी की सेल्स लगभग 20% बढ़ी है। तो मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि रिजल्ट अच्छे आए हैं। देखिए, सेल्स बढ़ी है तो कंपनी का धंधा बढ़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है तो उसके पीछे का एक रीजन है। उसके बीच आपको क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी ऑटोमोटिव प्रोडक्ट बनाती है, मतलब जो भी ऑटोमोबाइल, जैसे कार होता है, कार के टायर्स हो गए, फिर कार का जो कांच होता है वो बनाना, तो उसके अंदर जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बनाने का ये काम करती है। तो इस वक्त वो बनाने में एक एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, उसको बनाने में ये एक्सपेंस लगा है, तो उसी की वजह से आपको यहाँ पर प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कंपनी का प्रोडक्ट बन जाएंगे, उसके बाद आपको ये मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा और रेवेन्यू तो कंपनी का वैसे भी बढ़ ही रहा है। तो मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं लूंगा, मुझे ये रिजल्ट अच्छा लगा है। अब ये देखिए, सेक्टर का पी 93 का चल रहा है और ये चल रहा है 73 के। लेकिन इसका अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो वो देखिए, सेक्टर का 4.18 है और इसका 5.18 है। तो मतलब अगर आप दोनों को मिला दोगे तो प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक दोनों को मिला दोगे तो शेयर फेयरली वैल्यूड है, ना तो अंडर वैल्यूड है, ना तो ओवर वैल्यूड है। अब ये देखिए, अगर आप डिविडेंड डील देखेंगे तो सेक्टर का भी लगभग इतना ही है और इसका भी इतना ही है। लेकिन देखिए, इतने महंगे शेयर पर अगर इतना कम डिविडेंड मिलता है तो मैं ऐसे शेयरों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर नहीं करता हूँ। अब ये देखिए, अगर आप लार्ज कैप इसका अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 48,027 करोड़ की मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है और इंडिया की 82 लार्जेस्ट कंपनी है अगर मार्केट कैप से कंपेयर किया जाए तो। अब ये देखिए, 2020 में इसके रेवेन्यू में एक भयंकर गिरावट देखने को मिली थी और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट देखी जाए तो आधी हो गई थी इस साल के मुकाबले। लेकिन 17 से लेके 19 तक ये लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में था और इस बार अगर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की गिरी है, लेकिन रेवेन्यूज में वापिस 20% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि बता रहा है कि कंपनी के अंदर रिकवरी आई है। अब ये देखिए, 16,350 का ये शेयर अभी चल रहा है और 25,670 का इसका 5 साल का हाई है। मतलब हाई के मुकाबले देखा जाए तो लगभग 9,000 रुपये ये आपको अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है अपने हाई से। तो देखिए, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर आधी हो गई थी वो मेरे ख्याल से इसके शेयर के प्राइस में पहले से ही फैक्टर इन हो गया है। क्योंकि देखिए, 9,000 मतलब लगभग ये शेयर अपने 9,000 के 30-35% ये अपने ऑल टाइम हाई से आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है और जो रिकवरी इसमें अभी देखने को मिली है तो मेरे ख्याल से इसमें वो करेक्शन अभी नज़र आ रहा है। अब देखिए, अगर आपने बॉश में पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, 5-10 साल के लिए ले रखा है, तो मेरे ख्याल से आप इसमें बने रहिए, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया है, रिकवरी नज़र आ रही है, धंधे में रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। और रही बात अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो मेरे ख्याल से कल थोड़ा सा वीकनेस इसमें भी नज़र आ सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो थोड़ा सा अगर आप प्रॉफिट में है तो बुक कर लीजिए, बाकी आप इसको होल्ड करके रखिए, जब प्रॉफिट में है तब इसको सेल कर दीजिएगा। और रही बात फ्रेश बाइंग की, तो देखिए मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग मैं इसके अंदर नहीं करने को बोलूँगा। क्यों? देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि पहली बात तो ये शेयर है 16,350 रुपये का ये शेयर है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ज्यादा रिटर्न मिलने के चांस कम हो जाएंगे।
मतलब अगर आप इसको भी 16,350 पे ले लेते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होगा ये, कम से कम आप इतना एक्सपेक्ट तो करोगे कि 5 साल में ये 30,000 होना चाहिए, 5 साल में आपको 100% के रिटर्न तो ये दे, तो वो मेरे को यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। तो इसीलिए मैं आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें तो आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा कि आप बॉश लिमिटेड का शेयर लें। ओके, तो मैं होप करता हूँ कि आपको बॉश लिमिटेड के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। वैसे दोस्तों मैंने जो आपको भी बताया है वो ये मेरा ओपिनियन है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ। आपको जो करना है वो तो आपको अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेकर ही अपना काम करना है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।